अंकल ये चप्पल ठीक कर देना। हाँ लो। सर आप सर पहचाना आपने, मैं दक्ष और श्रद्धा, हम आपके स्टूडेंट्स थे। हाँ हाँ बेटा पहचाना। सर आप तो कॉलेज में पढ़ा रहे थे ना, भी अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको ये काम करना पड़ रहा है? वो सर बताइए ना प्लीज क्या हुआ? बेटा मुझे कॉलेज से निकाल दिया। पर क्यों सर, आप तो बहुत अच्छे टीचर और बहुत रेप्यूटेड इंसान थे, न जाने कितने बच्चों की आपने अपनी सैलरी से फीस भर के पढ़ाया है उन्हें, और ऐसा क्या हो गया कि कॉलेज से आपको निकाल दिया गया? बस बेटा वो सर बताइए ना प्लीज क्या हुआ? वो दरअसल सर ये क्या है, आपने मुझे सेमेस्टर एग्जाम में सिर्फ 30% मार्क्स दिए हैं। स्पर्श बेटा एग्जाम में जैसा परफॉर्म करोगे वैसे ही मार्क्स आएंगे ना। सर देखिए वो सब मुझे नहीं पता, आप मेरे मार्क्स बढ़ाइए। नहीं नहीं I'm sorry, मैं ऐसे मार्क्स नहीं बढ़ा सकता बेटा। सर आपको शायद याद नहीं है मेरे पापा कौन है। हाँ हाँ बेटा मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम एक MLA के बेटे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन बच्चों के साथ नाइंसाफी करूँ जो तुमसे हजार गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो सर मतलब आप मेरे मार्क्स नहीं बढ़ाएंगे? स्पर्श बेटा ना तो तुम पढ़ाई में ध्यान लगाते हो और क्लास में भी कभी कभार आते हो तो दूसरों को उल्टा और डिस्टर्ब करते हो, एग्जाम में कुछ लिख कर नहीं आते हो, तो मैं कैसे मार्क्स दूँ तुम्हें, किस बात के मार्क्स दूँ? सर मेरे पापा एक MLA हैं, अगर लोगों को पता चलेगा कि उनका बेटा पढ़ नहीं पा रहा है, एग्जाम्स में फेल हो रहा है, तो उनकी इमेज पर क्या असर पड़ेगा? आपने कभी सोचा है ये बात? मुझे नहीं पता सर, आप मेरे मार्क्स बढ़ाइए। पापा की इज्जत का इतना ही ख्याल है ना, तो मन लगा के पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, उससे उनकी इज्जत और बढ़ेगी। सर देखिए मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप मेरे मार्क्स बढ़ाएंगे या नहीं? स्पर्श मैं भी तुम्हें आखिरी बार क्लियर कर रहा हूँ, मैं इस तरह के से मार्क्स नहीं बढ़ाऊंगा बेटा। हाँ तुम मेहनत करो, एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करो, खुद ब खुद अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर तुम्हें मेरे पास इस तरह आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, आपको मेरे मार्क्स नहीं बढ़ाने ना, मत बढ़ाइए, लेकिन अब जो होगा उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। बस फिर MLA ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे कॉलेज से निकलवा दिया। कॉलेज से तो निकलवा ही दिया, यहां तक कि उसे शहर में मुझे और कहीं नौकरी भी नहीं मिलने थी, और तो और मैं जब बिना काम के खाली हाथ घर गया तो मेरे बच्चों ने भी मुझे धुतकार दिया, बोले कि मैं उनके लिए बोझ बन जाऊंगा। बस फिर मजबूरी में अपना गुजारा चलाने के लिए ये सब करने लगा। सर आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। अरे बच्चे जब मेरी खुद की औलाद ने मुझे धुतकार दिया तो मैं किसी और से क्या ही उम्मीद रखता। सर आपको इसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं सर, हम लोग आज जो कुछ भी हैं आप ही की वजह से हैं, आप प्लीज चलिए हमारे साथ। हाँ सर आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए प्लीज सर। लेकिन बेटा तुम लोग ऐसे ही परेशान क्यों हो जाओगे? अरे सर इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैं और श्रद्धा कब से प्लान कर रहे थे अपना कोचिंग सेंटर खोलने के लिए, और हम चाहते हैं कि आप उस कोचिंग सेंटर के हेड रहें, बच्चों को आपसे अच्छी गाइडेंस और आपसे अच्छा टीचर कहाँ ही मिलेगा। सर प्लीज मना मत कीजिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। मैं सर हाथ जोड़ने वाली कोई बात नहीं है इसमें सर, ये जिंदगी भले ही माँ बाप ने दी है लेकिन इसे जीना और इसकी इज्जत करना आप ही ने सिखाया है, अगर आज हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं इस लाइफ का। सर आप बिल्कुल परेशान मत होइए।